दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम टेक्निकल पे। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई लोन से रिलेटेड ऐप लेकर आ गया हूं, लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखलाने वाला हूं। लाइव पेमेंट प्रूफ आपके सामने होगा तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल बताऊँगा कितने तक का लोन मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, उस सारे का सारा आपको स्टेप बाई स्टेप बतलाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब कल मैंने एक वीडियो डाली थी फ्री लोन के ऊपर, तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि भैया इसके अंदर जो है आपने नाम नहीं बताया है। तो मेरे भाई वो मैं गलती हो गई थी मेरे, जिस वजह से मैंने उसके अंदर नाम नहीं बता पाया था, क्योंकि उसका पहली बात तो APK लिंक था, तो जिसकी वजह से वो मैंने टेलीग्राम पर भी उसे अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसे मैंने लिंक को जो है कमेंट बॉक्स में भी डाल रखा है। तो जिन भाइयों को अगर उसका टेलीग्राम चैनल पर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट आप कमेंट के अंदर आ जाइए, वहाँ पर मैंने तीन चार हमारे भाइयों ने लिंक मांगा था, मैंने उन्हें दे रखा है, तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आज की अपनी वीडियो की। दोस्तों ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको सिंपल से स्टेप कंप्लीट करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको लोन आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, सबसे पहले मैं वो आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना है, फेस वेरीफाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपकी आ जाएगी, तो उसको अलग से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिन कोड और फुल एड्रेस। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार अपनी वीडियो में बतलाता हूँ कि भाई जो आपका जो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली कई ऐप के अंदर होता है, जो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड का आ जाता है, सेम वही आपको डालना है बाद में भी। एक भी आप इधर उधर मिस्टेक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अच्छा यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम डालना है, मैरिड स्टेटस, ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी में आप किस पोस्ट पर हैं वो सबमिट करना है, सैलरी रेंज आपकी कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको करना है जी आगे के ऑप्शन, यहाँ पर आपको फुल एड्रेस अपना सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे स्टेप पर आना है, तो यहाँ पर आपको तीसरे में अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देने हैं, दो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसके अंदर देने हैं, क्योंकि आप इसी तरीके से दे सकते हैं, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में डालना है भाई आपको अपना बैंक अकाउंट, जो एक बार आप बैंक अकाउंट डाल देते हैं इसके अंदर आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट आपको डालना है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, और उसके बाद जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। आप पेमेंट बैंक भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आप यहाँ पर आप प्राइवेट सरकार जौन सा मर्जी आप बैंक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर सिंपल जैसे आपको ये सारे चारों के चारों स्टेप हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको मिलता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर जाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो लोन मिलता है वो मिलता है जी 5000 का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5000 का लोन आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको लगभग 14 दिन के लिए लोन मिलता है, और उसके उसमें आपको लगभग आपको 4000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, और 5000 15-20 रुपये के आसपास आपको रीपेमेंट करनी है 14 दिन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भैया आपका अप्रूवल हो चुका है, यहाँ पर आपको डिसबर्स होगा। तो यहाँ पर 24 आवर्स लगते हैं डिसबर्स होने में, तो उतने टाइम आप वेट कीजिए, उससे पहले ही आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये मैंने सारे के सारा लाइव आपको प्रूफ दिखला दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिसबर्स के लिए लगा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं प्ले स्टोर पर। चलिए ये तो मेरे भाई यहाँ पर आ चुका हूँ मैं प्ले स्टोर के अंदर। 5000 रुपये तक का आप इस ऐप से लोन ले सकते हैं। फिलहाल में इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि जिसकी इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट मिलता हो, यहाँ पर फिलहाल में आप सिर्फ और सिर्फ 5000 तक ही ले सकते हैं फिलहाल में। यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट बेसिक से जानकारी आपको सबमिट करके यहाँ पर आपको लोन आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ पढ़ लीजिए, इनका कस्टमर केयर नंबर भी आपको मिल जाएगा, मंडे सैटरडे आप 10 बजे से 7 बजे तक के बीच में आप कभी इनको कॉल कर सकते हैं। 9 जुलाई 2019 से ऐप वर्क कर रही है, तो बहुत ही टाइम हो चुका है आपको वर्क करते हुए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1M+, आप समझ सकते हैं कि 1M+ का और यहाँ पर 4.4 का कितना महत्व है। यहाँ पर 4.4 के अच्छे खासे रेटिंग मिली हुई है, थोड़ा यहाँ पर आपको चार्ज ज़्यादा लगता है, तो अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आपको आना है और रुपी मैक्स जैसे आप डालते हैं ये ऐप आप इजीली तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप रुपी मैक्स डालेंगे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आगे का प्रोसेस में आप मुझे बताइए कमेंट करके किस किस हमारे भाई को इस ऐप से लोन मिला है और कितना मिला है। चलिए जी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।